अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU में तिरंगा बाइक यात्रा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में सैकड़ों छात्रों ने इकट्ठा होकर गणतंत्र दिवस से पूर्व AMU कैंपस के अंदर तिरंगा बाइक यात्रा निकाली थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इस यात्रा की इजाजत AMU इंतजामिया द्वारा नहीं दी गई थी। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन खान ने बताया कि मंगलवार को कैंपस में कुछ छात्रों ने बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये यात्रा बिना अनुमति के निकाली गई थी और इससे माहौल खराब होता है, इसलिए छात्र अजय सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहसिन खान के मुताबिक यात्रा में बड़ी संख्या में बाहरी और असामाजिक तत्व ही शामिल थे। ये रैली यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग कर सकती थी और इससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता था। परमिशन ली जाती है, परमिशन हमने उन्हें मना कर दी। परमिशन किस चीज की लेना चाहते थे वो उन्होंने लिखा, हमने उसे रिजेक्ट कर दी। अब उन्होंने परमिशन के बगैर जब निकाला तो हमने उन्हें शोकाज इसलिए दिया कि आप क्लासेस डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, माहौल खराब इसमें करना चाहते थे ताकि डिस्टर्बेंस हो, दूसरे लड़के क्लासेस से बाहर आ जाएं, सिर्फ इस वजह से उन्हें नोटिस दिया। छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह ने प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन खान के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि यात्रा निकालने से 3 दिन पहले ही अनुमति के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उन्होंने कहा, जब छात्रों ने जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में प्रदर्शन किया, देश विरोधी नारेबाजी की और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के फैसले के पेपर जलाए गए, तब प्रॉक्टर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये दोहरा रवैया है यूनिवर्सिटी प्रशासन का, देश विरोधी नारों पर उन्हें दिक्कत नहीं होती और हमारे तिरंगा यात्रा और भारत माता की जय बोलने से यूनिवर्सिटी प्रशासन को समस्या है। इन लोगों का दोहरा रवैया है। ये परमिशन उन लोगों को तो दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं, मन्ना अनवानी की उन लोगों को दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं अफजल गुरु की। ये उन लोगों को परमिशन दे देते हैं जो 124th अमेंडमेंट बिल को जलाते हैं रिजर्वेशन के को। ये उन लोगों को परमिशन दे देते हैं जो फौजियों के खिलाफ मार्च निकालते हैं। हमने भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनमें ऐसा क्या है जो इनको लगा कि देश विरोधी है, जो कानून का उल्लंघन करता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल।